गुरुग्राम दर्दनाक सड़क हादसे में अब पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल हादसे के बाद पुलिस ने आरोपी कुलदीप ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे जमानत दे दी। अब पुलिस खुद कह रही है कि रॉन्ग साइड से एसयूवी लेकर आ रहे कुलदीप ने अब तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस ही पेश नहीं किया है, इसलिए पुलिस अब ये मानकर चल रही है कि आरोपी कुलदीप ठाकुर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। आरोपी क्या गिरफ्तार किया गया? देखिए, इसमें जो संबंधित धाराएं हैं उनके तहत मुकदमा दर्ज कर और क्योंकि उसमें बेल का प्रावधान था तो इसीलिए उनको बेल पर छोड़ा गया। पीड़ित की मां का कहना है कि आरोपी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, बावजूद उसके पुलिस ने सख्त कार्रवाई नहीं की और थाने से बेल दे दी। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक पेश नहीं कर पाया है अक्यूज्ड, तो हम लोग यही मान रहे हैं कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिसके संबंध में जो अनुसंधान अधिकारी उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि इसमें जो भी संबंधित धाराएं हैं वो मुकदमे में ऐड कर और आगे कार्रवाई इसमें की जाए। तो इसका मतलब आरोपी कुलदीप ठाकुर को पुलिस दोबारा गिरफ्तार कर सकती है, धाराएं और जोड़ी जा सकती हैं? बिल्कुल, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो दोबारा भी गिरफ्तार किया जा सकता है, और अगर इसमें और भी कोई स्ट्रिंजेंट एक्शन कोई धाराएं ऐड कर लिया जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो किया जाएगा। पुलिस ये भी कह रही है कि जरूरत पड़ी तो आरोपी को फिर गिरफ्तार किया जाएगा, मामले की जांच कर रहे हैं। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में धारा 106 यानी लापरवाही से मौत का कारण, 281 तेज गाड़ी चलाना, 324(4) समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसे जमानत मिल गई है। वहीं अब विपक्ष ये भी सवाल उठाने लगा है कि बीजेपी समर्थक होने के कारण पुलिस पर जमानत का दबाव बनाया गया, जिसकी वजह से उसे छोड़ दिया गया है। कुलदीप की कार के आगे फरीदाबाद बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार का एक स्टिकर लगा हुआ था। वहीं मृतक अक्षत गर्ग की मां ने भी पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। फिलहाल पुलिस दोबारा आरोपी को गिरफ्तार करती है या नहीं, ये देखना होगा। गुरुग्राम से हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट, हरियाणा तक।